आजनगर हाट पीपलिया के संपूर्ण ब्लॉक बागली में हाई स्कूल की परीक्षा शुरू की गई, जिसमें कक्षा 10वीं के 4,450 से अधिक बच्चों की परीक्षा शुरू हुई। कल 2 मार्च से हाई सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा भी शुरू होगी, जिसमें बागली ब्लॉक के 3,300 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस तरह कुल मिलाकर 8,700 से अधिक छात्र छात्राएं माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा में ब्लॉक बागली से बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नरेश प्रताप सिंह ने बताया कि हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी की परीक्षा के लिए कुल 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 2 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र है तथा 1 संवेदनशील परीक्षा केंद्र है। अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इसी तरह नगर हाट पीपलिया की कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के परीक्षा केंद्र पर हाई स्कूल की परीक्षा शुरू हुई, जिसमें हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी के कुल मिलाकर 635 बच्चे शामिल होंगे। हाट पीपलिया से शाकिर मंसूरी की रिपोर्ट। सर, आज बागली ब्लॉक में हाई स्कूल की परीक्षा शुरू हुई है जी। तो एक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के रूप में आप बताएं कि कितने छात्र सम्मिलित हुए, कितने सेंटर है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, आज से मध्य शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रो परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। मैं बताना चाहूँगी, बागली विकास खंड में टोटल 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें से 2 परीक्षा केंद्र स्वाध्याय के लिए बनाए गए हैं और इस प्रकार से कुल 21 परीक्षा केंद्र हैं। और इसी प्रकार से बागली विकासखंड अंतर्गत 2 अतिसंवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और एक जो है संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जहाँ स्वाध्याय बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ पर जो है अतिसंवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। ओम शांति विद्यालय को जो है संवेदनशील में रखा गया है। इस प्रकार से कक्षा 10वीं के लिए जो है टोटल जो बच्चे जो बैठे हुए हैं 3,974 बच्चे बैठे हुए हैं, रेगुलर की बात कर रहा हूँ मैं। और 12वीं में जो है 3,517 बच्चे परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इसी प्रकार से अगर प्राइवेट की अगर बात करें तो कक्षा 10वीं के लिए जो है 475 और 12वीं के लिए 752 बच्चे परीक्षा शामिल हो रहे हैं। टोटल बच्चे बागली के अंतर्गत जो है 8,778 बच्चे जो है परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। सर, जो अति संवेदनशील जो केंद्र है वहाँ पर शासन की आपकी तरफ लोगों की तरफ से क्या विशेष निगरानी के लिए क्या कर? इस बार निश्चित रूप से माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशन में जो परीक्षा हो रही है तो जहाँ अतिसंवेदनशील है वहाँ पर जो है पुलिस का जो है 1-2 गार्ड वहाँ पर रखे गए हैं और अन्य परीक्षा केंद्रों पर 1-1 पुलिस व्यवस्था की गई है। लेकिन एक बात और इसमें बहुत अच्छी बात करी गई है कि इस बार परीक्षा केंद्रों पेपर निकालने के लिए नायब तहसीलदार या तहसीलदार स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया गया है कि परीक्षा का जो कलेक्टर जो प्रतिनिधि के रूप में उनकी नियुक्ति की गई है। तो निश्चित रूप से इस बार परीक्षा को लेकर के काफी जो है मुतैद है प्रशासन, किसी प्रकार से कोई भी इस निर्भित ना हो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। सर, आज हाट पीपलिया के कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में हाई स्कूल की परीक्षा शुरू हुई और आप केंद्र अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर है, तो बताएं सर कितने बच्चे शामिल हो रहे हैं और कितने कक्षे में बच्चे बैठे हुए हैं? माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश की आज हाई स्कूल 10वीं की परीक्षा प्रारंभ हुई है और इसमें 10वीं में आज 325 दर्जे हैं बच्चे और हायर सेकेंडरी में 310 बच्चे हैं। सर, कितने कक्षों में बैठे हुए बच्चे? कुल 12 कक्षे हैं और 16 पर्यवेक्षक लगे हुए हैं। सर, यहाँ व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है? बिल्कुल व्यवस्थित हैं साहब, सारी व्यवस्था कम्प्लीट। जी सर।